पहले सीरियल एयर होस्टेस से अपना करियर शुरू करने के बाद एक्ट्रेस किटू गिडवानी ने फिल्म, थिएटर और टेलीविजन तीनों में ही काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं। जुनून और स्वाभिमान जैसे सीरियल्स में काम करने के बाद आज वो रवि राय के नए सीरियल कशिश में एक बहुत ही अनोखा रोल कर रही हैं। तो चलिए पूछते हैं किटू से कि इस किरदार में ऐसा क्या है कि उन्होंने ये रोल करने का निश्चय लिया। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। ऐसी ही एक हस्ती का नाम है किटू गिडवानी, जो आजकल अपने नए सीरियल कशिश में नजर आ रही है अपने एक जबरदस्त किरदार के जरिए। आई एम प्लेइंग द अदर वुमन, जो हम लोग अदर वुमन कहते हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में और टीवी इंडस्ट्री में, लेकिन जिस तरह से रवि राय ने इस कहानी को लिखी है और कैरेक्टर्स को मतलब फ्लैश आउट किए हैं, आपकी सिंपथी सब कैरेक्टर्स के साथ होती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं क्योंकि ये बहुत ही फुल कैरेक्टर्स लिखे हैं। एक दिन अच्छे हैं, एक दिन बुरे हैं, एक दिन कन्फ्यूज्ड हैं, एक दिन। तो मेरा कैरेक्टर एक बहुत ही फ्री और इंटेलिजेंट और क्रिएटिव आर्टिस्टिक औरत का है। अदर वुमन का किरदार निभाना आसान नहीं होता, इसके लिए एक बहुत अच्छी अदाकारी की जरूरत होती है जो किटू में देखने को मिलती है। रवि राय को एक बहुत, उनके मन में एक बहुत ही सॉलिड वजह होगी जिसके लिए उन्होंने मुझे चूज किया, करेक्ट। और मैं भी सोचती हूँ कि मैं उस ऑनर के लिए मैं ठीक हूँ, मतलब आई थिंक आई डिजर्व दिस रोल। अपनी असल जिंदगी में किटू ने शादी नहीं की। किटू की फिलॉसफी कशिश में उनके किरदार रत्ना से काफी मिलती जुलती है। मैं कहूंगी कि आपको जो जिसमें आपको खुशी मिलती है और फुलफिलमेंट मिलता है वो सही डिसीजन है। एट द एंड आप अकेले हैं, आप आते अकेले हैं, आप जाते अकेले हैं। आपकी जिंदगी में जो फैसले आप करते हैं सिर्फ आप जानते हैं, और ये आपके और आपके खुदा के बीच में आपस की बात है। आप शायद शादी करें लेकिन 5-10 सैकड़ों अफेयर्स करें साइड पर, तो इस शादी का कोई मीनिंग नहीं है। मेरा एक बहुत ही स्टेडी बॉयफ्रेंड है जो, और हम साथ में। ये था किटू का फसाना, किटू की जबानी। जिंदगी में ज्यादा जरूरी है खुश रहना, और हर इंसान अपने खुश रहने के बहाने ढूंढ लेता है।